चेतावनी देना चाहते हैं, अश्विनी वैष्णव अगर उड़ीसा आएंगे तो उड़ीसा घुसने नहीं देंगे। ये हमारा चैलेंज है अश्विनी वैष्णव जी को। नरेंद्र मोदी का सरकार तीसरी बार नहीं आ पाएगा। मोदी का भी तो आपने देखा, 3 काला कानून को कैसे रिपील किया, क्षमा मांगा। तो लोगों को आवाज़ को आप क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों दबाना चाहते हैं? ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम डरेंगे। जब जनता जाग रहे हैं, मोदी जी भाग जाएंगे। हम लगातार 2008 से संघर्ष कर रहे हैं, ना हम थके हैं, ना हम रुके हैं। ये सरकार को भी हम समय देते हैं, समय से पहले जाग जाइए, इस मांगे को पूरा कीजिए, नहीं तो उड़ीसा हम घुसने नहीं देंगे। और नफरत की बाजार में प्रेम की दुकान खोलो। आप तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस के शब्द मुंह में नहीं ले आऊं, ये तो राहुल गांधी के शब्द हैं। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये मुद्दा रेलवे का है। सरकार जो है लगातार दावे और वादे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर आकर देखें तो नज़ारा कुछ और देखने को मिलता है। किस बात को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जाजपुर रोड धामरा रेलवे पथ को मंजूरी देना हिंदी में और उस मंजूरी के साथ में फंड्स रिलीज करना, ये सरकार का जिम्मेवारी है। लगातार कई सालों से इस मांग को लेकर जाजपुर रोड रेलवे धामरा संग्राम समिति ने आवाज उठाया है और इस बुलंद आवाज को नरेंद्र मोदी और आपका रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को ज्ञापन भी दिए हुए हैं। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के ऑनरेबल सांसद जो उड़ीसा से आते हैं, उनके माध्यम से भी चर्चा किया गया है। लेकिन पता नहीं चलता, 2012 में जब तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, उस समय इस रेलवे लाइन के लिए सर्वे करने के लिए 40,90,000 रुपये सैंक्शन किए थे। उस सैंक्शन होने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2015 में जब आया, तो इससे पता लगा इस रेलवे प्रोजेक्ट अगर मंजूरी होता है, फंड सैंक्शन होता है, लगभग जितना राजस्व उड़ीसा से रेलवे कलेक्ट करता है 30,000 करोड़, इस प्रोजेक्ट में लगभग 2,000 करोड़ प्रॉफिट में रहेगा, मुनाफा कमाएगा। इतना होने के बावजूद 8,00,000 लोगों का आशा भरोसा जाजपुर रोड से, जाजपुर टाउन बिरजा धाम जो नाभि गया कहा जाता है, उसके बाद आरड़ी शैव पीठ है, जैसे लिंगराज टेम्पल है, आरड़ी उसी शैव पीठ के माना जाता है, उसी प्रकार धामराई टेम्पल, धामरा बहुत बड़ा पोर्ट है, जो कि मिनरल्स, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स अनुगुल से, ढेंकानाल से, तालचर से, केउंझर से और सुकिंदा बेल्ट से धामरा को जाता है, वो से कम लागत से जो भी 1,070 करोड़ चाहिए, वो अगर रेलवे मिनिस्टर इसको सैंक्शन करते हैं तो रेलवे फायदा होगा, 8,00,000 लोगों उपकृत लाभान्वित होंगे और एक नई राह और मंजिल दो जिला के अंदर में बंटित होगा। तो ये से मसले को क्यों नहीं सुनते हैं, वो बड़ी आश्चर्य की बात। एक तरफ बोलते हैं हम जनता के सेवक हैं, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, ना हम जनता के राहों पर मत से जीते हैं, लेकिन जनता को धोखा देना उनका फितरत में है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बीजेडी और बीजेपी दोनों पार्टी को मिलाकर वो सांसद बने, फिर मंत्री बने। मुझे सबसे बड़ी ताजुब की बात है, लेकिन आज तक एक शब्द इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्ञापन देने के बावजूद भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। ऐसे हालत पर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जंतर मंतर में कर रहे हैं। शीतकालीन अधिवेशन आने वाला है, अभी मानसून अधिवेशन चल रहा है, 18 तारीख तक विधानसभा, उड़ीसा में विधानसभा और यहाँ पर लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है। अगर इसी मसले को हल नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन जोरदार होगा। और हम आगाह करने कहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, अश्विनी वैष्णव अगर उड़ीसा आएंगे तो उड़ीसा घुसने नहीं देंगे। ये हमारा चैलेंज है अश्विनी वैष्णव जी को। सरकार जो है वो साफ तौर पर ना सुनने के लिए प्रचलित है। मोदी सरकार आप चिल्लाते रहो, नहीं सुनती है। आपके प्रदर्शन का असर होगा, वो सुनेगी? असर तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी असर हुआ था, वो दो बार पीएम बने। मोदी का भी तो आपने देखा, 3 काला कानून को कैसे रिपील किया, क्षमा मांगा। जब जनता जाग रहे हैं, मोदी जी भाग जाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा मोदी जी इस संसार से भी भाग जाएंगे, ये तो संसार का रीत और नीत है। लेकिन
जब आपको जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, अश्विनी वैष्णव जी को आपने रेलवे मिनिस्टर बनाया, तो लोगों को आवाज़ को आप क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों दबाना चाहते हैं? ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम डरेंगे। हम इस मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस मांग को हासिल करेंगे। ये जायज मांग है। हम आपको चैन की नींद सोने नहीं देंगे, ना आप उड़ीसा आएंगे, आप उड़ीसा के अंदर घुसने नहीं देंगे। आपने कितना समय रखा है इस मांग को, सरकार के पास कितना समय दे रखा है? देखिए, हम लगातार 2008 से संघर्ष कर रहे हैं, ना हम थके हैं, ना हम रुके हैं। तो क्या 2024 में इसका असर दिखेगा? शायद एक सेकंड में भाग्य परिवर्तन होता है, ऐसा भी समय आएगा, एक मिनट में भी ये जो मांग है पूरा हो सकता है, लेकिन ये इच्छा शक्ति सरकार का होना चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सबसे एक बात है, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इकट्ठा करेंगे और भुवनेश्वर और दिल्ली में जोरदार आंदोलन करेंगे और आप लोग के माध्यम से एक नई क्रांति की बहाल करेंगे। क्या ये जो है सरकार आपकी अगर नहीं सुनती है 2024 में, आप जो है जनता को जाकर इसके खिलाफ जाने के, लेकिन जो नई सरकार आएगी क्या वो आपकी सुनेगी? देखिए, सरकार आता है जाता है, ये प्रक्रिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी यूपीए का टाइम में रेलवे मिनिस्टर थे, इस प्रकल्प के लिए उन्होंने फंड्स एलोकेशन किए, लाइन को मंजूरी दी। अगर इंडिया आता है या भारत आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें चाहिए क्या है, डेमोक्रेसी बनचे, संविधान बनचे, हर व्यक्ति चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सीपीए हो, सीपीएम हो, इस देश के नागरिक हो, सब बिल्कुल शांत स्वभाव से इस देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। हमारा मांग को पूरी करो, जो भी सरकार आएगा उसको जरूर करेगा। ये सरकार को भी हम समय देते हैं, समय से पहले जाग जाइए, इस मांगे को पूरा कीजिए, नहीं तो उड़ीसा हम घुसने नहीं देंगे। सरकार सुनती नहीं है, लेकिन दावे कर रही है कि अब की बार 400 के पार सीटें लाएंगे। नहीं, वो तो 800 सपना देख रहा है। डबल पार्लियामेंट का भवन का निर्माण किया है, तो वो 800 एमपी के लिए वो सोच रहा है। सोचना गलत बात नहीं है, सोचना दीजिए, सपना देखने दीजिए, लेकिन सपना अभी इंडिया के तरफ में आ गया है, उनके तरफ नहीं है। आप पूरी तरह इंडिया को सपोर्ट करते हैं? हमारा संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स, तो हम इंडिया को समर्थन करेंगे, संविधान को। ये इंडिया तो पार्टियों का इंडिया है ना, संगठन तो है, INDIA। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप समझें, आप बहुत चतुर हैं, आपको नहीं, आप समझाइए, जनता जानना चाहती है, साफ तौर पर उनको सुनना है आपके शब्दों में। मैं ये समझना चाहता हूँ और खुद भी समझना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ कि विकल्प हमेशा खुला हुआ है। क्या है विकल्प? विकल्प वही है, अच्छा काम करो, किसी को भेदभाव मत करो और नफरत की बाजार में प्रेम की दुकान खोलो। आप तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस के शब्द मुंह में नहीं ले आऊँ, ये तो राहुल गांधी के शब्द हैं। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाली बात वो तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या मोदी देश को तोड़ने की बात करते हैं? वो तो राष्ट्रभक्त माने जाते हैं। राष्ट्रभक्त होना जायज है, जो राष्ट्रभक्त से फिसल जाए और राष्ट्रद्रोह के रास्ते पर चलेगा, जनता का विश्वास में विश्वासघात करेगा, लोग उसको क्या कहेंगे, ये आप मीडिया वाले उसको पर। क्या मोदी फिसल गए हैं? वो सिर्फ फिसल नहीं रहा है, वो बुरी तरह डूबने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जनता कहती है कि आएगा मोदी ही। हाँ, मोदी आ सकता है, वो कौन सा मोदी होगा मुझे मालूम नहीं है। चाहे मोदी एमपी बन सकता है, मोदी एमएलए बन सकता है, लेकिन मोदी, नरेंद्र मोदी का सरकार तीसरी बार नहीं आ पाएगा। वो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार आएंगे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह सबसे बड़े तीसरे नंबर पे होगी। नहीं, वो उनका परसेप्शन है, वो गोदी मीडिया का वो जो प्रचार है, गोदी मीडिया का प्रचार। प्रधानमंत्री ने ये गारंटी दी है? नहीं, वो गारंटी दे सकते हैं, जनता उनको गारंटी नहीं दी है, ढप्पा नहीं लगा है। अब की बार जनता जो है वो तय कर चुकी है कि सत्ता परिवर्तन होगा। अब की बार भारत के नागरिक का सरकार आएगा, यानी कि इंडिया की सरकार आएगा। थैंक यू। तो ये साफ तौर पर जो है जनता की एक मत हो चुकी है, इंडिया वर्सेस इंडिया की जो सवाल चल रहे हैं कि इस बार जो है वो कौन होगा। तो साफ तौर पर अगर जमीनी स्तर पर पहुंचे तो दिख रहा है कि जो इंडिया का जो है वो कुछ पलरा भारी होता हुआ दिख रहा है और लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि 9 साल में जो सरकार ने दिया है वो लोगों को हजम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ग्राउंड पर आने पर
लोगों की मत कुछ अलग दिखाई दे रही है, भले सरकार कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।